कथा जगत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम। इसमें सुनते हैं आदिवासी जीवन और पर्यावरण से जुड़ी एक कहानी। सुगिया। एक थी प्यारी सी छोटी सी लड़की, नाम था सुगिया। अपने भाइयों की अकेली बहन, बहुत ही लाडली। सुनो सुनो सुगिया की कहानी, सुनो सुनो सुगिया की कहानी। अपने भाइयों की वो दुलारी थी, आंखों की पुतली से अधिक प्यारी थी। सुनो सुनो, भाई जंगल में जाते, लकड़ियां काटते, करंज महुआ और चार के फल बीनते, घर लौटते दोने पत्तल बनाते और बेचने के लिए बाजार ले जाते। भाइयों के बाजार जाने के बाद बहन बांस की टोकरियां बुनती। एक दिन की बात है, कौवा बैठा कितनी देर से काऊ काऊ कर रहा है। लगता है बेचारा भूखा है, इसे रोटी का टुकड़ा खिलाऊं। ले ले आजा, आ आ आजा। सुगिया, अरे ओ सुगिया, अरे यहाँ बैठी बांसुरी बजा रही है। अरे टोकरियां बन गई कि नहीं? बांसुरी भी नहीं बजाने देते। अरे बजा लेना बाबा, बजा लेना, पहले टोकरी तो ले आ, जरा बाजार ले जाएं, हमारे भी दोने तैयार हैं। ले आई? ओफो भैया, तुम हमेशा हड़बड़ाते रहते हो। ये लो। ला, ला। अच्छा हम बाजार जा रहे हैं। ठीक है भैया, शाम से पहले आ जाना। अरे अभी तो मैंने इस कौवे को रोटी दी थी, फिर काऊ काऊ करने लगा। अरे अब क्या है? ये तो बरगद का फल है। अच्छा तो कौवे मियाँ मेरे लिए रोटी के बदले बरगद का फल लाए हैं। धन्यवाद धन्यवाद। आहा, ये तो बड़ा मजेदार है। अब ये रोज की बात हो गई। सुगिया कौवे को रोटी खिलाती, कौवा उसके लिए बरगद का फल लाता। लेकिन सुगिया सोचती कि उसे ढेर सारे फल खाने को मिलने चाहिए। एक दिन रोज की तरह कौवा सुगिया के पास बरगद का फल लेकर आया। सुगिया ने उससे उस जंगल का पता पूछा जहाँ बरगद के फल लगते थे। कौवे मियाँ कौवे मियाँ, लाते हो फल रोज यहाँ। कौवे मियाँ कौवे मियाँ, लाते हो फल रोज यहाँ। कहाँ से लाते हो ये फल, दिल मेरा जाता है मचल। कहाँ से लाते हो ये फल, दिल मेरा जाता है मचल। जब सुगिया ने पूछा तो कौवे ने जवाब दिया, है तो ये एक राज की बात, हो जाएगी अभी ज्ञात। ये जो है पर्वत साथ, उनके ऊपर जंगल साथ।
अपने भाइयों को लेना साथ साथ ढूंढ पाओगी बरगद साथ अच्छा ढूंढ पाओगी बरगद साथ भैया भैया आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है फुटकल का साग और गोड़ा धान का भात अरे वाह 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 इतनी चीजें जरूर कोई खास बात है वो भैया भैया वो अरे क्या बात है री सुगिया अभी क्या है बहना बता ना जाओ मैं तुमसे नहीं बोलती हा? क्यों क्यों क्या बात क्या बात है सुनती हूँ बरगद के सात पेड़ सातों पहाड़ों के सातों जंगलों में सर्वश्रेष्ठ है क्या मेरे हट्टे कट्टे भाई मुझे वहाँ नहीं ले जा सकते अरे बस इतनी सी बात अरे क्यों नहीं भाई क्यों नहीं अरे तू हमारी इकलौती बहन है कल ही चल पड़ेंगे सवेरे सवेरे ढूंढ निकालेंगे वो सात पेड़ हाँ। ले सुगिया आ गया बरगद का जंगल अब तू जी भर के बरगद के फल खा मैं पेड़ पर चढ़कर उसकी डालियों को हिलाता हूँ और मैं तो ऊपर ही खा लूंगा आराम से भैया जरा आराम से डालो भैया और ले वाह कितने मजेदार हैं ये फल अब वापस चलें नहीं पहले कहीं पानी पी लें अब तो प्यास लगने लगी है अरे वो देखो उधर कुछ बगुले उड़ रहे हैं जरूर आसपास कोई झरना बहता है चलो हम लोग वहीं पानी पिएंगे चलो 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 भैया भैया मुझे प्यास नहीं है आप लोग पीकर आ जाओ मैं तब तक यहीं बरगद के जटाओं में झूला झूलती हूँ और बांसुरी बजाती हूँ इतने सारे पत्ते मैं यहाँ छुप जाती अरे हटो हटो तभी उधर एक बूढ़ा भिखारी गुजरा अरे इस जंगल में ये किसकी आवाज है अरे रे इसके शरीर पर तो घाव भी हैं कितना खून बह रहा है बूढ़े को दया आई उसने सोचा अगर यहीं पर पड़े रहे तो खून बहुत निकल जाएगा और लड़की के प्राण संकट में पड़ जाएंगे सो वो सुगिया को अपनी बैलगाड़ी में लिटाकर अपने गांव की ओर चल पड़ा जब सुगिया के भाई बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो अरे ये सुगिया तो यहाँ नहीं है कहाँ गई कहाँ गई हमारी बहन सुगिया ओ सुगिया 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 कहीं भी नहीं दिखती हे भगवान हमारी फूल सी बहन कहाँ गई अरे ये क्या ये तो खून है खून अरे किसी जंगली जानवर ने तो नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता अरे चलो चलो घर चले शायद अकेली ही घर चली गई हो भगवान करे ऐसा ही हो चलो और इधर चार दिन बाद सुगिया को होश आया मैं कहाँ हूँ तुम मेरे घर में हो बेटी शुक्र है तुम्हें होश तो आया लेकिन बाबा अब तुम ठीक हो जाओगी सोचता हूँ सुबह होते ही तुम्हारे घर खबर कर दूंगा कहाँ रहती हो बेटी सहारो गांव कारो नदी के उस पार पतरा हाथों के पीछे ठीक है अब चिंता की कोई बात नहीं मैं आज ही जाऊंगा तुम्हारे गाँव सुगिया ओ सुगिया क्या हुआ बाबा बोलते क्यों नहीं गए नहीं मेरे गांव क्या बताऊं बेटी तुम्हारे गांव गया था तुम्हारे भाई तो गांव छोड़कर चले गए हैं शायद तुम्हारी तलाश में गांव छोड़कर चले गए हे भगवान अब क्या होगा ओ, पति रोती काहे को है मैं हूँ ना तुम्हारे पिता समान धीरज रखो कभी ना कभी तो मिलेंगे ही बस अब चुप हो जा चुप चुप हो जा हाँ
पूछूं। बूढ़े बाबा ने सुगिया के आंसू पोछे प्यार किया। बूढ़े बाबा ने सुगिया के आंसू पोछे प्यार किया। बूढ़े बाबा ने सुगिया के वही उसकी बेटी थी, अब वही उसकी बेटी थी, वही उसकी बेटी थी, वही उसकी बेटी थी। सुगिया फिर वहीं रहने लगी, बूढ़े बाबा ने सुगिया के आंसू पोछे प्यार किया। बूढ़े बाबा ने सुगिया के सुगिया बूढ़े बाबा के साथ रहने लगी, मगर सुगिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनका गुजारा भीख पर चले। एक दिन अरे वाह, मेरी बेटी तो खूब बांसुरी बजाती है। हाँ। अच्छा बाबा, एक बात कहूँ? हाँ, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता बाबा कि तुम भीख मांगो। भाई तो बता, अब इस उम्र में मैं क्या करूं? बाबा, मुझे बांस की बहुत अच्छी अच्छी टोकरियां बनानी आती हैं। यहाँ घर के आसपास बहुत सा बांस भी उगा हुआ है। मैं टोकरियां बनाया करूंगी और तुम बाजार में बेच आना। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। सच बाबा? बेटी, तू जो धुन बजा रही थी ना, मुझे भी सिखा दे। अच्छा, आप भी सीखेंगे? तो मैं आपके लिए भी बना दूंगी एक बांसुरी। हाँ, बना देना। अच्छा बाबा, अब जरा फिर से बजा तो वो धुन। अभी बजाती हूँ। इस तरह वो बूढ़ा रोज बाजार जाता, बांसुरी बजाता। अच्छी धुन के कारण लोग उसके पास आते और उसकी अच्छी बिक्री हो जाया करती थी। एक दिन वो रोज की तरह बाजार गया। बाजार में सुगिया के भाई भी थे। अरे अरे भैया, देखो देखो, कोई बांसुरी पर वही धुन बजा रहा है जो हमारी बहन सुगिया बजाती थी। वो देखो, वो तो एक बूढ़ा टोकरी वाला है। चलो चलो, उससे पूछते हैं, शायद सुगिया का पता मिल जाए। हाँ, उसे ही पूछते हैं। आओ चलो, आओ पूछते हैं उससे। बाबा, बाबा, तुम बांसुरी पर बहुत मीठी धुन बजाते हो। हाँ बाबा। ये धुन तुम्हें किसने सिखाई बाबा? मेरी बेटी ने। आपकी बेटी ने? क्या नाम है उसका? सुगिया। सुगिया? बाबा, सुगिया तो हमारी बहन का भी नाम था। हाँ बाबा। अरे अच्छा, तो वही तुम्हारी बहन है जो मुझे जंगल में मिली थी। ठीक है, तो चलो चलो बाबा। अरे चलो भैया। सभी भाई, बूढ़े बाबा और सुगिया, सब भाई, बूढ़े बाबा और सुगिया, एक साथ मिलजुल कर रहने लगे, जंगल में गाने नाचने लगे, मिलजुल कर, मिलजुल कर। सुगिया, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। परियोजना निर्देशन सुश्री जय चंदीराम, विषय संयोजन संगीत एवं गायन अजीत होरो, आलेख क्षमा शर्मा, कलाकार नीरज शर्मा, अभय भार्गव, शांति एस कालरा, राजेश आहूजा, हर्ष बाला और सुचित्रा गुप्ता, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन, वंदना अरिमर्दन।